बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये आमतौर पे क्लास में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये एप्लीकेशन का हिस्सा है, लेकिन एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बैलेंस्ड क्या है और नॉन बैलेंस्ड या नॉट बैलेंस्ड क्या है। फर्ज करें यहाँ पर एक 12 वोल्ट बैटरी है और यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी है। जब इनको हम कनेक्ट करेंगे तो करंट 12 वोल्ट बैटरी से 9 वोल्ट बैटरी की तरफ फ्लो करेगी, तो ये नॉट बैलेंस्ड कंडीशन है। लेकिन अगर हम ये दोनों बैटरीज 12 वोल्ट के लगा देंगे तो फिर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। अब आइए हम सर्किट पर देख लेते हैं। ये हमारे पास ब्रिज सर्किट है और इसको ब्रिज शायद इसलिए कहते हैं कि जैसे कि दो बिल्डिंग्स के दरमियान आपने ब्रिज लगा दिया, तो ये ब्रिज है और यहाँ पे एक हम एम्पेयर मीटर लगा देते हैं। अब अगर तो ये बैलेंस्ड है यानी दोनों वोल्टेजेस बराबर हो तो इस मीटर की रीडिंग जो है वो ज़ीरो होगी यहाँ पे, तो यही बैलेंस्ड कंडीशन को जाहिर करती है। अब तो V1 = V2, ये बैलेंस्ड है, या यहाँ पे वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज भी बराबर हो तब भी ये बैलेंस्ड कंडीशन है। सो वन ब्रिज इज बैलेंस्ड, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपोजिट आर्म्स, आपने ये जहन में रखना है, ऑपोजिट आर्म आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ये मल्टीप्लीकेशन बराबर है इस मल्टीप्लीकेशन की, यानी Z2 × Z3 = Z1 × ZX। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपोजिट आर्म्स, आपने ये इसको जहन में रखना है, आर इक्वल। अब यहाँ पे कई वेराइटीज हो सकते हैं, ये जो Z है वो सीरीज ऑफ RL हो सकता है, पैरेलल ऑफ RL हो सकता है, इसी तरह सीरीज ऑफ RC हो सकता है या पैरेलल ऑफ RC हो सकते हैं इसमें। अब आइए हम एग्जांपल नंबर 9.15 को देखते हैं। ब्रिज सर्किट है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है Z1 और Z2, Z3 को कहा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो Z3 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के। हमने ZX मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 kHz। अब दो पॉसिबिलिटीज़ आपने यहाँ पे करने हैं, पहले एक ये कि सीरीज कंपोनेंट टू मेक ZX, हम ये फर्ज करें कि ZX जो है ये सीरीज कंपोनेंट से बना हुआ है, तो इसमें सीरीज कंपोनेंट्स के वैल्यू मालूम करने हैं। और पार्ट बी में हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पैरेलल कंपोनेंट से बना हुआ है, तो पैरेलल कंपोनेंट्स के वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो आइए पहले हिस्से को देखते हैं। ये दोनों चीज़ें गिवन है और Z3 चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिस इस तरह से कि R और C पैरेलल है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। और पैरेलल सर्किट कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला होता है, जैसे R3 पैरेलल 1/j ωC, कैपेसिटर के लिए 1/j ωC। अब इसको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम j ωC को मालूम कर लें, तो j ωC3 1, ओमेगा आपको पता है 2π और f, ये फ्रीक्वेंसी आ गया, और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमने 1/j ωC आ गया −6.63 × 10⁶। अब हम Z3 को मालूम कर लेंगे यहाँ से, तो Z3 में ये दोनों को ये पैरेलल में हमने लिख दिया और यहाँ से अब इसके वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थे कि ये दोनों तो हमें पता ही था, इसको हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे पैरेलल में। और आपको याद होगा कि हम अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, R1 × R2 / R1 + R2। हम वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो दिस वन मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड वन और दिस वन प्लस द सेकंड वन। अब ये आप इसको आप कॉम्प्लेक्स मोड में जाएं अपने कैलकुलेटर में और इसको बड़े आसानी से आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स मोड का नहीं पता तो आप मेरे वीडियो इस पे है कि कैलकुलेटर से किस तरह कॉम्प्लेक्स मोड में जाके सॉल्व करते हैं, आप उसको पहले देख लें। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स मोड में जाके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो Z3 इस फॉर्म में है
और इसको अगर हम 10^6 कॉमन ले लें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं, चूंकि ये बैलेंस्ड है तो अब इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे ऑपोजिट टर्म्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से जेड एक्स आ गया जेड टू ओवर जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड वन। अब इन तीनों के वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज को हम आप पुट कर देते हैं। जेड टू की वैल्यू हमने पुट कर दी है, जेड थ्री की वैल्यू और जेड वन, और इसको अगेन हम कॉम्प्लेक्स मोड में जाके कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो जेड एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इनके वैल्यूज मालूम करने हैं कॉम्पोनेंट के। इसको हमने मल्टीप्लाई करके अलहदा लिख दिया इस तरह से। अब हमें असूम, पहला हिस्सा क्या कह रहा था कि ये सीरीज कॉम्पोनेंट से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये फार्मूलाज हो सकते हैं, दोनों में से सीरीज के फार्मूलाज ये हैं कि अगर तो ये इंडक्टर हो तो R प्लस जी हमें L लिखते हैं, और अगर ये कैपेसिटर हो तो यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू माइनस जे ओवर ओमेगा सी। अब यहाँ चूंकि माइनस साइन है तो हम पहला नतीजा तो हम ये निकालेंगे कि ये R और C कॉम्बिनेशन है, तो हम इस फॉर्मूले को अब लेके चलेंगे और इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये पहला हिस्सा R आ जाएगा और ये जो है ये बराबर हो जाएगा वन ओवर ओमेगा सी के। जे जे को हम अभी यहाँ से काट देते हैं, तो आइए देखते हैं। तो R आ गया, ये हमारा पहला हिस्सा 5.93 मेगा, और वन ओवर ओमेगा सी जो कि एक्चुअली बराबर है 1/2fc के, ये बराबर हो गया इस हिस्से के। तो यहाँ से अब हम सी के वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों से। तो ये आप देखें, ये इधर आ गया, सी को हम उधर लेके चले गए। सो अब ये पोर्शन इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 58.69 इंटू 10^12, जिसको हम पीको फेरेड भी कहते हैं। तो ये पहला हिस्सा आ गया और ये कंपैरेटिवली आसान है। सेकंड पार्ट ज़रा सा मुश्किल है, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। आइए हम देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जी आप अस्यूम करें कि ये पैरेलल कॉम्पोनेंट है, यानी R और C इन पैरेलल में है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, अगेन यहाँ तक हम मालूम कर चुके थे R हमारा जाहिर है, हम इसको और हम इसके इक्विवेलेंट को हम कंपेयर करके फिर वैल्यूज निकालेंगे। तो आप पहले हम इसके इक्विवेलेंट मालूम कर लेते हैं। अभी ये R और पैरेलल में C है तो इस तरह से लिखेंगे इसको भी हम R मल्टीप्लाई बाई जो C के टर्म है डिवाइडेड बाई R प्लस जो C के टर्म्स हैं उसके साथ। इसको हमने सॉल्व कर लिया, कॉमन ले लिया यहाँ से डिनोमिनेटर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। लेकिन हम इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है। यहाँ पे हमारे पास नीचे इमेजिनरी टर्म है, तो आपने पहले कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा कि हमने नीचे से इमेजिनरी टर्म्स को ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं कि हम इससे इसके माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 1 - jωRxCx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। अब ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आ गया, नीचे वाले a+b (a-b) के फार्मूले से आ गया। अब ये माइनस जे स्क्वायर जो है वो माइनस वन के बराबर होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, जे ख़त्म हो गया, ωr²c². अब इनको हम अलहदा कर लेंगे कि ये हमारा जो है ये रियल टर्म है और ये हमारा इमेजिनरी टर्म। तो ये रियल टर्म आ गया और ये इमेजिनरी टर्म आ गया। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, अब ये हमारे पास ये ऊपर वाला हमने इसको दोबारा लिख लिया और ये जो नीचे निकाला है, अब इनको हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टली और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे। सो पार्ट वन, ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए 5.93, हम मेगा के 10^6 नहीं लिख रहे हैं, आंसर में लिख लेंगे, अब इसको जहन में रखना है आपने। और इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है ये, इसको हम लिख सकते हैं कि
ये फर्स्ट टर्म जे के अलावा इज इक्वल टू 1.356। यहाँ पे भी हम मेगा को फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं जवाब एक ही है। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया था और ये सेकंड इक्वेशन। अब इसमें ज़रा घुमाना फिराना है। यहाँ से अब देखिए हम इस वाले से हमने 1/ωRxcx2 यहाँ रख लिया, इसको हम इसको उधर लेके चले गए और इसको नीचे लेकर आ गए, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाले वैल्यू, तो यहाँ पे हमने नीचे वाले के वैल्यू डाल दिए R डिवाइडेड बाय 5.93, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो अब हमारे पास आठ टर्म आ गया, ओमेगा आर एक्स सी एक्स इज इक्वल टू 0.226। अब ये कंपैरेटिवली सिंपल है, अब इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, ये देखिए सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ से हमें आर एक्स निकल आएगा, तो ये इसमें हमने डाल दिया इसकी जगह पे 226, सॉल्व करके आर एक्स हमारे पास आ गया 6.3। अब वो जो 10^6 हमने वहाँ छोड़ा था, हमने यहाँ पे उसके जगह पे मेगा लिख लिया, तो ये आर एक्स आ गया हमारे पास। अब इस आर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमें सी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए अब सी एक्स के लिए ये हमारे पास आ गया, ओमेगा इज 2π × f, आर एक्स की वैल्यू जो हमने 6.3 मेगा निकाला था ये आ गया, तो आंसर आ गया 2.85 pF। अब बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है, ये 2.85 मेगा मेरे ख्याल में टाइपिंग एरर है, इसको पीको फेरेड आपने लिखना है। अब बुक में तरीका भी कुछ और उसने अपनाया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये तरीका समझने में आसान है। तो ये हो गया, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, आपको Z1 दिया हुआ है, Z2 कह रहा है कि रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में है, Z3 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है, तो आपने Zx निकालना है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एग्जैक्टली वही फार्मूला Z1 Z3 हमने लिख लिया, Z2 ये जो ये पोर्शन है इसको हम निकाल लेंगे, 10 तो दिया हुआ है, इसके साथ जे ओमेगा एल की वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर लें 2π f, और एल की वैल्यू यहाँ पे 0.25 माइक्रो हेनरी, तो वो डाल दिए, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया Z2। तो अब तीन पैरामीटर्स आ गए, अब हम उसे फॉर्मूले में जाके Zx के लिए हम इसको लिखेंगे, ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया Z2 Z3 और Z1 के, तो अब ये हमारे पास आ गया ये टर्म्स। अब इसको ये चूंकि सीरीज कंपोनेंट है तो ये बड़ा ऑब्वियस है, और यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे प्लस साइन है इसको यूज़ करेंगे, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देखें यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि R जो है वो 25 ओम है और ये एक रेजिस्टर है, और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा एल और 23.56, ओमेगा एल इज इक्वल टू 23.56, तो यहाँ से एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो कि 0.625 माइक्रो हेनरी और ये इंडक्टर है, तो ये इस तरह से आप आंसर निकालते हैं। तो उम्मीद है आपका को समझ आ गई होगी किस तरह से ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। शुक्रिया।